सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। मशक समान के दो अर्थ हैं, दो अर्थ। पहला अर्थ है कि मशक समान माने इतना छोटा बन जाना कि अभिमान शून्य हो जाना, और सीता माने भक्ति, और भक्ति की खोज करने की ये अनिवार्य शर्त है जो अपने को बिल्कुल मशक समान, मशक समान अपने को जब तक कुछ मानते रहोगे कि नहीं नहीं मशक थोड़ो, जानते हो क्या हमारी पोजीशन है, हमारी स्टेटस है, जब तक स्टेटस की याद है अपने को तब तक सीता नहीं मिलेगी। सीता की खोज में लगने की ये शर्त है कि मशक समान। दूसरी परिभाषा इस मशक समान की और एक महात्मा बता रहे थे कि मच्छर की एक विशेषता होती है, मच्छर जब कहीं जाता है ना तो चुपचाप नहीं जाता है। मच्छर जब किसी का एंट्री करता है तो चुपचाप कहीं जाता ही नहीं है, वो जहाँ जाता है कुछ ना कुछ गुनगुनाता हुआ जाता है, गीत गाता हुआ वो दिखा, वो जनाता है कि मैं आ रहा हूँ, आई कमिंग। चुपचाप कहीं आया, आया कि चुप्पे से काटा हो कहीं ना, वो पहले आके यहाँ पर कुछ बोलता है, श्री राम जय राम जय जय राम, लगाओ कछुआ छाप नहीं तो हम आ गए हैं। वो कभी चुप्पे चुप्पे आया तक, मच्छर कभी चुप्पे चुप्पे नहीं आता। हनुमान जी संत हैं, साधु हैं, और ये एक सूत्र मिल रहा है कि साधु को कहीं भी चुपचाप नहीं जाना चाहिए। साधु चुप्पे चुप्पे जाए, साधु दबे पांव जाए, वो चोट्टा है वो साधु नहीं, चोरवा है, चुप्पे चुप्पे चोरवा जाता है, साधु चुपचाप कहीं नहीं जाता है। इसलिए शास्त्रों में आज्ञा है कि साधुओं को लकड़ी खड़ाऊ पहननी चाहिए। क्यों क्यों? उसके पीछे कोई लॉजिक दूसरा नहीं है कि वो ब्रह्मचर्य परमचर्य। खड़ाऊ इसलिए पहनना चाहिए कि जहां जाओ खट पट करते जाओ, चुपचाप कहीं मत जाओ दबे पाओ, आपके आने के 10 मीटर पहले मालूम पड़ जाए कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। चुप्पे चुप्पे चोर जाते हैं कि बाबा जाते हैं, दबे पाओ चोर जाते हैं। साधु जहां जाता है वहां गीत गाता है, मैं आ रहा हूं मैं आ रहा हूं। तो हनुमान जी मच्छर इसलिए बने थे, वो संत है, और संत चुपचाप जाए वो संत नहीं हो सकता है ना।